वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग एडिटिंग फाइल्स वाला लैब करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग फटाफट से लैब को स्टार्ट कर देते क्योंकि लैब को स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता है, तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा। जब तक ये स्टेटस रेडी ना हो जाता है तब तक हम लोगों को वेट करना होगा। ठीक है, वेट करेंगे। जल्दी के काम शैतान का होता है, इसीलिए हम लोग वेट करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे कैसे क्या करना है। बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है, हम लोगों को फर्स्ट मोबक्स टीम को कनेक्ट करना होता है। अगर अभी भी किसी को नहीं आता है कि मोबक्स टीम को कैसे कनेक्ट करते हैं, वो लोग मेरा पिछले वीडियो देख के आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैंने बोल दिया कैसे कैसे करना है मोबक्स टीम को कनेक्ट करना। कोई बात नहीं, अगर नहीं दिखे तो मैं इस लैब में भी वो बोल देंगे कैसे करना है। बट उसके लिए हम लोगों को पहले ये वाला स्टेटस रेडी होना चाहिए। ठीक है, वेट करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेते हैं, 2 से 3 मिनट लगता है। ओके गाइस, मेरा लैब रेडी हो गया। सो चलते हैं। सो यहाँ से हम लोग जो की है उसको डाउनलोड कर लेंगे, SSH की को। ठीक है, देन पब्लिक जो IP एड्रेस दिया है इसको कॉपी करना है क्योंकि हम लोग कनेक्ट करेंगे मोबक्स टीम को। ओके चलते हैं। तो मोबक्स टीम में आने के बाद यहाँ पर एक सेशन है, उस सेशन में जाके SSH की, देन जो रिमोट होस्ट है यहाँ पर हम लोगों को पब्लिक IP देना होगा और एक यूज़र नेम भी। आप लोग जो इच्छा वो दे सकते हो, हम देते हैं EC2 यूज़र, ये भी दे सकते हो अगर आप लोगों का मन चाहे तो। ओके, देन एडवांस SSH सेटिंग में जाके ये जो प्राइवेट की है ना, हम लोग जो डाउनलोड किए थे वो वाला, इसको चेक करके वो जो फाइल हम लोग डाउनलोड किए थे वो वाला फाइल अपलोड करना है। ओके, देन एक्सेप्ट करना है। सो रेडी हो गया हम लोगों का जो शेल है, हम लोग इसमें काम करेंगे। तो चलिए लैब में क्या बोला है देखते हैं। सो ओके, सो इस लैब में हम लोग जानेंगे विम जो एडिटर है लिनक्स का, वो उसके को कैसे काम करता है बेसिकली। तो चलिए देखते हैं ये रन करके। बेस्ट, ओके। सो यहाँ पर विम का कुछ डिटेल्स बता, आप लोग वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से बाहर आने के लिए फर्स्ट हम लोगों को जो कीबोर्ड है उसमें एक स्किप करके बटन होता है उसको प्रेस करना है, देन कोलन क्यू मतलब क्विट, एंटर। ओके, हम लोग वहाँ से बाहर आ गया है। अब हम लोग विम को इंस्टॉल करेंगे। अगर सर किसी के पास इंस्टॉल करा करना है तो वो ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं कि हम देखते हैं इंस्टॉल। ओके, ऑलरेडी इंस्टॉल, क्योंकि मेरा सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल था, मैंने आप लोगों को लिए ये वाला स्टेप करके दिखाया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या बोला देखते हैं। ओके, हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे हेलो वर्ल्ड का। तो फाइल क्रिएट करने के लिए विम होता है कमन, देन फाइल का नेम। चलिए हम लोग करते हैं फाइल क्रिएट, इंसर्ट। ओके,
देखिए मेरा टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया, विम वाला। सो यहाँ पर हम लोग कुछ लिखेंगे। सो ठीक है, इधर से कॉपी कर लेते हैं। कुछ भी और भी लिख सकते हैं आप लोग, जो आपका मन चाहिए। तो यहाँ पर लिखने के लिए फर्स्ट हम लोग कीबोर्ड में आई जो होता है उसको प्रेस करना है, मतलब इंसर्ट ऑप्शन ओपन होता है। सो हम लोग पेस्ट कर देते हैं जो कॉपी किया है, और ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग कुछ भी जो चाहे। ठीक है, हम लोग जो कॉपी किया है उसको ही लिखते हैं। ओके ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब इधर से ये तो पेस्ट हो गया, तो फाइल को सेव कैसे करें? तो वीम एडिटर में सेव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कोलन डब्ल्यू, मतलब राइट एंड सेव। एंड अगर आप यूज़ करते हैं कोलन डब्ल्यू क्यू, मतलब होता है राइट सेव एंड क्विट, मतलब ये जो वीम एडिटर है उससे हम बाहर आ जाएंगे। एंड अगर हम कोलन डब्ल्यू क्यू एंड एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, आप राइट भी करेंगे देन सेव होगा देन फोर्सफुली क्विट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का जो इंसर्ट ऑप्शन है उसको हटाने के लिए जो कीबोर्ड का स्केप, कीबोर्ड में जो स्केप बटन आता है उसको प्रेस करेंगे स्केप। सो हम इधर से सेव भी करेंगे एंड क्विट भी करेंगे। सो कोलन W मतलब राइट एंड सेव, देन Q मतलब क्विट, देन एंटर। हम लोग एंटर कर लिए, मतलब बाहर आ गया वी मेडिटर से। सो यही था शायद, देखिए। सो इधर सेव एंड क्विट। सो इधर बोला है एड द फॉलोइंग लाइन, मतलब एक और लाइन को ऐड करने को बोला है। तो फिर से जैसे करके हम लोग वो वीम एडिटर में गया, सो वीम हेलो वर्ड करके हम लोग इंटर करेंगे उधर। ओके शिफ्ट अगेन चले आए, देन इंसर्ट मोड ऑन करने के लिए आई प्रेस करना होगा, देन इंटर करेंगे। ओके इंटर करके ये तो आ गया। एंटर करेंगे, देन जो लाइन दिया है वो वाले हम लोग कॉपी कर देते हैं। ठीक है, आप लोग कोई भी लिख सकते हैं जैसा आपका मर्जी है। इंसर्ट, देन क्या बोला, तो इसको जस्ट ऐड करना है। एंड बोला है कि मतलब क्विट करने के लिए, मतलब इसको सेव करने को नहीं बोला है, मतलब यहाँ बोला है। आप लोग आप देख सकते हैं कैसे क्यू और वो डब्ल्यू क्यू क्या होता है। तो क्यू ठीक है, हम लोग इधर जो क्यू बोला है तो हम लोग क्यू यूज करते हैं। तो एस्केप देन क्यू एंड एक्सक्लेमेटरी साइन। सो गाइस, सो क्यू कहने के मतलब क्या है हम लोग अब देखेंगे। हम लोग जो एक्स्ट्रा लाइन ऐड किए थे वो वाला ऐड हुआ कि नहीं, हम एक और बार देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि हम लोग सेव नहीं किया है वो वाला लाइन, वो लिक्विड किया है, सो वो वाला लाइन सेव नहीं हुआ है। अगर हम लोगों को सेव करना होता तो उधर कोलन कोलन डब्ल्यू मतलब सेव देन क्यू करना होता। ठीक है, हम लोग वो वाला लाइन भी कर सकते हैं, चलिए कर लेते हैं। इंसर्ट देन क्या कॉपी किए थे, नहीं किए कॉपी, ओके फिर से कॉपी किया है ये वाला लाइन, देन पेस्ट। ओके इधर कुछ आया है शायद पहले, इसको हम डिलीट कर देते हैं। पेस्ट अब इसको सेव करने के लिए एस्केप कीबोर्ड में, क्योंकि इंसर्ट मोड को एस्केप करना होगा, देन कोलन डब्ल्यू क्यू एंड एक्सक्लेमेटरी साइन यूज कर सकते हो आप लोग फोर्सफुली क्विट करने के लिए, एंटर। अब आप जाके चेक कर सकते हैं कि ये सेव हुआ कि नहीं। देखिए,
पहले जब किए थे तब हम लोग क्विट किए थे, इसीलिए वो लाइन सेव नहीं हुआ। अब जब हम लोग वो WQ: WQ एंड क्विट किया तो तब जगह ये लाइन सेव हुआ। ओके, सो यही था इस लैब में। तो आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया है कैसे वीम एडिटर काम करता है। सो यही था आज का लैब। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।